नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पराक्रम की करेंगे, वही पराक्रम जिसके बूते भारत की सशस्त्र सेनाओं ने 1971 में पाकिस्तान के दम का दमन कर दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। 1971 के उसी युद्ध में लड़ी गई बैटल ऑफ लोंगेवाला भारत के जांबाजों के असीम पराक्रम का प्रमाण है। उस लड़ाई में राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। उस शानदार जीत के 51 साल पूरे होने पर सेना ने जैसलमेर में पराक्रम दिवस मनाया। इस जंग के शहीदों को सलाम करने के साथ साथ सेना ने अपने गौरवशाली जीत और सैनिकों के साहस को याद भी किया। देखिए उसकी तस्वीरें। जमीन से आसमान तक हिंद के पराक्रम का परचम। राजस्थान की रेतीली जमीन पर शानदार जीत का जश्न। लोंगेवाला की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले शहीदों को सलाम। इतिहास का आईना दिखाती ये दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ शहादत को सलामी है तो दूसरी तरफ जीत का जश्न है। दरअसल इन्हीं यादों में संजोई हुई है 1971 में हुई बैटल ऑफ लोंगेवाला में हिंदुस्तान की जीत, जिसे नाम दिया गया है पराक्रम दिवस का। राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद सेना के जवानों का ये शौर्य उन शहीदों को सलामी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आन बान और शान की हिफाजत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नया इतिहास लिखने वाले लोंगेवाला युद्ध की ये 51वीं सालगिरह है, जिसे हिंदुस्तान की सेना पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। 1971 वॉर की जो हमारा जीत के दिवस पर आज जो पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, कोर कमांडर जनरल कपूर और हमारे यहाँ जनरल पॉल, दोनों का ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस पराक्रम दिवस को लोकल जनता के लिए भी खोला और सभी को आकर के ये देखने का मौका मिला, और हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व का दिन है। पराक्रम दिवस के मौके पर सेना के जवानों ने जैसलमेर की जमीन से लेकर आसमान तक शौर्य और साहस के अनोखे करतब दिखाए। शानदार स्टंट्स के जरिए दुनिया को एक बार फिर हमारे जवानों के हुनर और जुनून की झलक दिखाई। ये वही ताकत और जुनून है जिसके बूते 1971 में महज 120 जवानों ने सटीक रणनीति और साहस से पाकिस्तान के 2000 जवानों की फौज के हौसले पस्त कर दिए थे। लोंगेवाला लड़ाई जो हुई थी उसमें से उसमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और बाद में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब से एक कंपनी के स्ट्रेंथ होते हुए पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड को, जिसमें एक आर्मेड रेजिमेंट भी थी, इंजीनियर एलिमेंट्स भी थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। और वो एक इतिहास बन चुका है जहां पर पाकिस्तान को इस बुरी तरह से पराजय का देखना पड़ा। लोंगेवाला की जंग पाकिस्तान की साजिशों का नतीजा था। बावजूद इसके हिंदुस्तान ने अपने सीमित संसाधनों में जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई, उसने न केवल पाकिस्तान का इतिहास बल्कि उसके मुस्तकबिल की भी एक नई इबारत लिख डाली, जिसकी निशानी आज भी बांग्लादेश के तौर पर दिखाई देती है। लोंगेवाला में हिंद के वीरों की शौर्य गाथा को लोग करीब से महसूस कर सकें, इसलिए इस बार पहल करते हुए सेना ने पराक्रम दिवस के इस कार्यक्रम में आम जनता को भी एंट्री दी, ताकि वो सेना के इस गौरवशाली इतिहास के गवाह बन सके और अपनी आंखों से भारतीय सेना के इस पराक्रम का नजारा देख सके। इतिहास में जब जब मातृभूमि का ऋण चुकाने का मौका आया है, हिंदुस्तान की सेना ने न केवल आगे बढ़कर उसे स्वीकार किया बल्कि हर मोर्चे पर खुद को साबित भी किया है।
लोंगेवाला की लड़ाई भी शौर्य और पराक्रम की स्याही से लिखी गई एक ऐसी ही दास्तां है। आधी सदी पुरानी इस जयगाथा की याद में आज भारतीय सेना के जवान ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। हिंदुस्तान के वीरों का ये जश्न और जोश देखने वालों के दिलों में उतर रहा है। इस कार्यक्रम में सिख रेजिमेंट ने भी खास तौर पर शिरकत की। अपने कर्तव्यों से यहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल जीतने में कसर नहीं छोड़ी। त्याग, बलिदान और कुर्बानी, इन्हीं शब्दों की पहचान हिंद की सेना है, जिसके जांबाज अपनी अमिट छाप कर्तव्य पथ पर छोड़ते रहे। उन्हीं विरासतों को याद दिलाने आती है 5 दिसंबर की ये तारीख, जब अपने इन जांबाजों के साथ ही सारा हिंदुस्तान गर्व के सागर में गोते लगाता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको सीधे उस धरती पर लेकर चलते हैं जिसे आधी सदी पहले भारत के रणवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। उस भूमि पर जहां आज भी पाकिस्तान के अहंकार की जली रस्सी के साक्ष्य मौजूद हैं, आइए आपको सुनाते हैं बैटल ऑफ लोंगेवाला की अमिट दास्तां। ये कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों जो रेगिस्तान की वीरानी में इस पोस्ट पर तैनात थे। यहाँ दुश्मन की नजर डालने की गुंजाइश न के बराबर थी, इसलिए यहाँ चौकसी तो रहती थी लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। तब भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बड़ी संख्या में सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में भी लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा कि अपने गिरबान पर पकड़ ढीली करवानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले ताकि पूरब की भरपाई पश्चिम में हो सके। आम दिनों में बॉर्डर के इस इलाके में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होती है, लेकिन युद्ध का ऐलान होते ही यहाँ पर भारतीय सेना तैनात हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहाँ सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं। यहाँ जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका सादेवाला था। बटालियन हेडक्वार्टर सादेवाला में था, सो दिसंबर 1971 में सेना की 3 कंपनियां सादेवाला में तैनात थी। बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर लोंगेवाला पोस्ट पर केवल 1 कंपनी मौजूद थी। 1 कंपनी में लगभग 120 सैनिक होते हैं। लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी। इनकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ पोस्ट पर तैनात कंपनी ने ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय ये आशंका बेबुनियाद लग रही थी। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तानी फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी और इसलिए उसने 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। द पाकिस्तान एयर फोर्स सडनली स्ट्रक एट आवर एयरफील्ड इन अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अम्बाला एंड आगरा। Their ground forces are shelling our defense positions in Sulaimanki, Khemkaran, Poonch and other sectors. पाकिस्तान के 18वीं डिवीजन के जीओसी जनरल बीएम मुस्तफा को जिम्मा सौंपा गया भारतीय सीमा में घुसकर आक्रमण करने का। इसके तहत पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। उनके साथ टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी होता। दूसरी ओर से पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जहां जेब अरबाद की अगुवाई में 1 बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा और पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। चार दिसंबर की रात लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोलिंग पार्टी गश्त पर निकली।
थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे गई। मैं 4 दिसंबर को तकरीबन 10 बजे अपना राशन लेके 25 जवानों के साथ रवाना हो गया। जब हम 635 के एरिया में पहुंचे, उससे थोड़ा सा पहले हमने ग्राउंड देखा वहां पे, जहां पे थोड़ा हमें छुपाव मिल सके, और हमने अपनी पोजीशन ले दी। उस एरिया से कुछ ऐसी आवाजें आना शुरू होगी, जैसे कोई टैंक या गाड़ियां, इनकी आवाज आना शुरू होगी। हमने लेफ्टिनेंट साहब से बैठकर बात की, मैं साहब आज दिन तक हम यहाँ 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ पर किसी चीज की आवाज या कोई हरकत दिखाई नहीं दी, तो आज कैसे यहाँ पर ये आवाज शुरू हो सुनाई दे रही। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को खबर की। अल्फा फॉर डेल्टा, ये हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर। और मैंने एकदम ये वापस पास किया बटालियन हेडक्वार्टर में कि मुझे लग रहा है कि ये टैंकों की आवाज है और टैंक हमारी तरफ घुसपैठ कर रहे हैं। चांदपुरी साहब को बताया ना साहब, ऐसे ऐसे जो है दुश्मन के टैंक आ रहे हैं। तो चांद भाई साहब बोलता है, घबराने की कोई बात नहीं, आप डरने की कोई बात नहीं, आप डटे रहो वहां पर। लेफ्टिनेंट धर्मवीर से कहा गया कि वो और करीब जाकर देखे। डेल्टा 12 डू नॉट फायर, शैडो द पेट्रोल एंड कीप पासिंग द इंफॉर्मेशन। तो मैं और नजदीक गया, वहां पे जाके मैंने जब और सुना, मेरे जवानों ने भी सुना, ये हमें यकीन हो गया, टैंक नजदीक आते रहे, आवाज बढ़ती रही कि ये टैंक की नुआइज। रेगिस्तान की धूल का बवंडर उड़ता हुआ पाकिस्तानी टैंकों का काफिला थड़थड़ाता चला रहा था। लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को स्थिति कंफर्म की। 45 टैंक प्लस 14 टैंक, 59 टैंक प्लस इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसमें कोई तकरीबन 2500 जवान होते हैं, इतना बड़ा फौजी दस्ता वो अटैक के लिए हमारी तरफ बढ़ रहा है। इस दफा शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेजर चांदपुरी ने तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और रेजिमेंट हेडक्वार्टर संदेश भेज दिया। देखिए, मेजर चांदपुरी ने हेडक्वार्टर को खबर तो कर दी, लेकिन जहां तक मदद का सवाल था तो लौंगेवाला एक बिल्कुल अलग थलग सा पोस्ट था। वहां तक किसी को भी पहुंचने में घंटों का वक्त लग सकता था, इसलिए इस बात पर विचार चल रहा था कि मदद आखिर किस तरह पहुंचाई जाए। फौरी मदद न मिलने की सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने दो ऑप्शंस थे, या तो वो उस रात पीछे हट जाते, या फिर सीमित संसाधनों और मैन पावर के साथ कई गुना ताकत लेकर पहुंचे शत्रु से भिड़ जाते। उस रात मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो विकल्प चुना जिसने दुनिया के इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल कर रख दी। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का समय था, यानी इतनी देर तो दुश्मन के सामने टिके रहना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से आखिरी संवाद का वक्त था। जंग में उतरने से पहले एक एक सिपाही को स्पष्ट करना था कि यह जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जानी है। सो जो 1.25 लाख से एक लड़ाऊ का संकल्प ले सके, बस वही साथ आए। मेजर साहब ने ऐसा मोटिवेट किया कि बोलता, बेटा अगर भागोगे तो मरोगे, अगर जीवित रहोगे तो लौंगेवाला के शहीद आप बनोगे, अगर आपकी पीठ के पीछे गोली लगेगी तो आपके हर आदमी यही बोलेगा कि लड़ाई से भागे हैं आदमी, और हमारी पीठ के पीछे ब्लैक टाकी लग जाएगी, उस शर्म की जिंदगी से मरना बेहतर है। उधर टैंकों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती चली जा रही है, दुश्मन से फासला घटता जा रहा था, लेकिन हमारे जाबाजों के पास हथियारों और असलहे की कमी थी। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर तभी वार किया जा सकता था जब वो बिल्कुल पास आ जाए, लेकिन करीब आने का मतलब यह भी था कि बचाव की गुंजाइश न के बराबर।
जब तक पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट के नजदीक पहुंचे तब तक हमारे सैनिकों ने पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा दिए। यूं तो सतही प्रोटेक्शन था पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कि कहीं यहां एंटी टैंक माइन तो नहीं। वैसे उसका शक पूरी तरह गलत भी नहीं था क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन लगाना शुरू कर दिया था। उन लोगों ने क्या किया, टैंक जो है ऐसे एक लाइन में लगा दिए, साथ में एक हेलीपैड ग्राउंड था, कुआं था, लगा कर अटैक करने लगे। आगे आ गई तार, जैसे ही तार उन लोगों ने देखी, तार देखने के बाद तो हर मतलब है किसी भी दुश्मन को भी पता होता है वे टैंक के साथ क्या है, माइन लगे होंगे, एंटी टैंक माइन, एंटी पर्सनल माइन, तो वो रुक गए। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया। जैसे जैसे वो करीब आ रहे थे एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी फायरिंग जारी थी। रिक्वायरलेस गन से पहले निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान का दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अपने दो टैंकों का हसर और पोस्ट के चारों तरफ फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा कि यहां तो पूरी की पूरी माइन फील्ड है। उनकी पूरी फौज वही छिटक गई। इधर पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जैसे ही उनमें निशाना लगा वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से चमकती रात और रोशन हो गई। मैंने अपने सीओ को बोल दिया था इनका जो डिजास्टर है, ये जो टैंकों के पीछे तीन तीन चार चार पांच पांच बैरलें बांध के आए हैं, ये एक कफन साथ में लेके आए, तो इनको इतनी अकल नहीं है कि एक भी फायर होगा इन्फेंट्री का हो जाए कि सारा पेट्रोल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, टैंक जलेगा, टैंक जलेगा, क्रू जलेगा और सारा कुछ इनका बर्बाद होगा। पाकिस्तानी अब भी यही जांच कर रहे थे कि क्या वाकई कटीली तारों में माइन बिछा है और सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी तलाश रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दिए। ये गलती पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक हमारे जाबाजों के लिए आसान टारगेट बन गए। हमारे सैनिकों ने निशाना साधकर एक एक टैंक का सफाया करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में बुरी तरह छटपटाने लगे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो चुके थे। तब तक इस संघर्ष को करीब करीब 5 घंटे हो चुके थे। उस रोज सूरज की पहली किरण मानो पाकिस्तानी सेना के लिए हार का अंधेरा साथ लाई थी। उनके लिए गोलियों की तड़तड़ाहट अभी थमी नहीं थी कि तभी आसमान से मौत की खरखराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान और HF-24 मारूत जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना ली। पास की तरह छपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान के 15 टैंक तहस नहस हो चुके थे और 23 दूसरी गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वायुसेना के विमानों ने इस दौरान कुल 17 सॉर्टीज की। लड़ाई के खत्म होने तक पाकिस्तान ने 37 टैंक गंवा दिए थे। जमीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयासों के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी T-59 रेजिमेंट का नामो निशान मिट गया। जब लोंगेवाला के मोर्चे पर मुकाबला शुरू हुआ था तब भारत के पास थे 120 सैनिक और पाकिस्तान के पास 2000। भारत के पास थी एक रिक्वायरलेस गन और पाकिस्तान के पास 54 T-59 और शर्मन टैंक। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई तो नुकसान की तस्वीर कुछ ऐसी थी। पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। 3 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। भारत के 3 योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के 37 टैंक
और 100 के करीब आर्म्ड गाड़ियां नष्ट हुई, जबकि भारत के 5 ऊंटों की मौत हुई। लोंगेवाला के जरिए हमारे जांबाजों ने एक ऐसा अमिट इतिहास रचा जिसे दुनिया भर के सैन्य पाठ्यक्रमों में जगह दी गई। आज दुनिया के आधा दर्जन देशों के मिलिट्री अकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।